कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सहवान ने बताया कि 10 मई को एक अज्ञात महिला की लाश मछली गांव पुलिस चौकी के पास ब्रह्मपुर टोला के बरहरा पुल के पास जंगल में मिला था। कैंपियरगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इसकी तफ्तीश की तो मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का निकला। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्या के आरोपी पनियारा थाना क्षेत्र के बड़हरा निवासी के मुबारक अली पुत्र जोखन अली को चौमुखा पुलिस कैंपियरगंज से गिरफ्तार कर लिया तथा इसके पास से हत्या में प्रयुक्त लेडीज पर्स आला कत्ल चाकू बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह ने बताया। क्या करते हो तुम? दुकान पर रहते हैं। किस दुकान पर? कितने साल से तुम्हारा संबंध? संपर्क संपर्क कैसे हो? कुछ संबंध कैसे हो? हमारा नाम मुबारक संपर्क कैसे हो? मुबारक संपर्क में साइकिल से गए थे तो ऐसे नंबर मांगने की पैसे बातचीत होने लगा। इस संपर्क में हमारा भी पैसा ले रही है थाना कैंपियरगंज में जो 10 तारीख को एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसमें 12 तारीख को जो अज्ञात महिला उसकी शिनाख्त कर ली गई थी, जिसका नाम आरती सामने निकल के आया था। उसके बाद सीओ गोरखनाथ के द्वारा, सीओ कैंपियरगंज के द्वारा और थाना कैंपियरगंज के द्वारा इसमें कार्य किया गया और जो शव मिला था उसके जो अभियुक्त है जिसने उसको मारा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें जो मुबारक अली है, मुबारक अली नाम का जो अभियुक्त है, इसके द्वारा महिला को चाकू से मार दिया गया। और अभियुक्त अली का ये इसमें जो कारण निकल के आया है उसमें ये है कि जो महिला है उसके बहुत सारे पुरुषों से संबंध हो गए थे, जिसका ये जो अभियुक्त है वो विरोध करता था और इसका ये कहना था कि ये उसको पैसे भी उसके ऊपर खर्च करता था, और लेकिन जो महिला है वो अन्य लोगों से भी संबंध बनाती थी। इसका ये हत्या का जो कारण है ये निकल के सामने आया है। पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और घटना में बरामद जो चाकू है उसको बरामद कर लिया गया है। बुलाया तो उसने फिर उसको वहाँ पे वहाँ से जंगल की तरफ ले गया और वहाँ इसने उसको चाकू से मार के वहाँ फेंक दिया। दिन में क्या था, कितने बजे करीब? दिन में लगभग 10 से 11 अप्रोक्सीमेट। अंतिम कॉल इसकी 10:36 की है महिला से, उसी से बात हुई है लास्ट में, उससे ले गए वहाँ पे जो जंगल है वहाँ पे ही। अगर ये पैदल भी गया है तो कम से कम 1.5 घंटे बाद।